गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ क्लास फॉर क्लास सेवेंथ एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर. सो ओपन योर बुक एंड लेट्स स्टार्ट. ओपन पेज नंबर 8, जिसमें आप लोग का चैप्टर 2 दिया गया है. चैप्टर 1 आप लोग का पोएम है. पोएम में जो है क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाया जाता है, तो इसलिए सिर्फ एक्सरसाइजेज हैं जिसका PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, वो एक लैम के बारे में है. तो हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चैप्टर 2 में क्या है, वर्किंग टुगेदर. चैप्टर 2 का नाम क्या है, वर्किंग टुगेदर. दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द नॉवल स्विस फैमिली रॉबिसन बाय J.R. विस. रीड हाउ अ फैमिली दैट इज मैरूनड ऑन एन आइसलैंड आफ्टर देयर शिप वाज डिस्ट्रॉयड इन अ स्टॉर्म वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ शेल्टर फॉर देमसेल्फ. ठीक है, ये जो स्टोरी है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, बोल सकते हैं कि स्टोरी का जो पार्ट है वो स्विस फैमिली रॉबिसन से लिया गया है, जिसको लिखा किसने है, J.R. विस ने लिखा है, जिसमें बताता है कि एक फैमिली जो है कैसे जो है स्टॉर्म आधी आती है और जिसकी वजह से उनका शिप जो है वो बर्बाद हो जाता है और वो एक आइसलैंड में फंस जाते हैं. तो फिर वो कैसे एक साथ काम करते हैं और अपने लिए एक घर बनाते हैं. That night we slept on the grass under the tree. उस रात हम क्या करते हैं, कहाँ सोते हैं, पेड़ के नीचे घास में सो जाते हैं, घास पे सो जाते हैं. In the morning our first task was to make a ladder. हमारा सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या रहता है, एक ladder बनाना, एक सीढ़ी बनाना. We had to have a ladder in order to climb into the house that we are going to build in a giant tree. हमें उस ladder का use करके उस giant tree पे क्या करना है, चढ़ना है, जिसपे हमें घर बनाना है. वी हैड प्लेंटी ऑफ रोप बट वी नीडेड पीसेज ऑफ बैम्बू टू मेक द स्टेप्स ऑफ द लेडर एंड ऑल्सो टू मेक सम बोज एंड एरोज. ठीक है, हमारे पास कुछ रोप्स हैं, जो राइटर है वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ रस्सियाँ हैं, लेकिन हमें बैम्बू के जो पीसेज हैं वो चाहिए, जिससे हम क्या बना सकें, लेडर के जो स्टेप्स होते हैं जिसमें हम पाँव रखते हैं वो चीज़ हम बना सकें. उसके साथ साथ कुछ बोज और एरोज बनाने के लिए भी हमें बैम्बूज की ज़रूरत है. बोज और एरोज मतलब तीर धनुष बनाने के लिए भी हमें बैम्बूज की ज़रूरत है. वी फाउंड सम बैम्बूज ग्रोइंग बाय द रिवर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वुड. वी कट द पीसेज वी नीड एंड बाउंड देम टुगेदर इन द बंडल टू कैरी बैक टू द वुड. कुछ जो बैम्बूज हैं वो हमें मिल जाते हैं और उन्हें हम क्या करते हैं, ग्रोइंग बाय द रिवर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द वुड. ठीक है, जहाँ पे हम फंसे थे, जो वुड मतलब है जंगल, जिस जंगल में हम फंसे थे वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे क्या है, एक रिवर है, एक नदी है, जहाँ पे क्या है, बहुत सारे बैम्बूज जो हैं वो ग्रो किए हुए हैं और वहाँ से हमें बैम्बूज मिल जाते हैं. वी कट द पीसेस वी नीड एंड बाउंड देम टुगेदर इन अ बंडल. हमें जिन पीसेस की ज़रूरत है उसे हम कट करते हैं और उसे एक बंडल बना के हम वुड्स की तरफ, मतलब उस जंगल की तरफ चल देते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली के और भी लोग हैं. ऑन आवर वे देयर इनेस कैरीड द बंडल. ठीक है, हमारे रास्ते में इनेस जो रहते हैं, उनके कज़िन जो भी रहते हैं, उनके कज़िन हुए, उनके भाई हुए, जो भी हुए, वो बंडल को कैरी करते हैं. वाइल फ्रिज एंड आई हेल्ड आवर गन्स रेडी. बल्कि हम और फ्रिज जो रहते हैं वो क्या करते हैं, मैं और फ्रिज जो हैं वो हमारे गन्स को रेडी रखते हैं. फॉर वी नेवर न्यू व्हाट वाइल्ड एनिमल वी शुड मीट. क्योंकि हम भी नहीं जानते कि कब हमें कौन सा वाइल्ड एनिमल देखने को मिल जाए. अवर ब्रेव डॉग फ्लोरा वॉकड इन फ्रंट ऑफ अस. हमारा जो ब्रेव डॉग है फ्लोरा, वो हमारे आगे आगे चल रहा है. सडनली फ्लोरा जंप इन टू सम बुशेज. कुछ झाड़ियाँ रहती हैं वहाँ पर क्या करता है, फ्लोरा कूद जाता है उधर बाकी एक्साइटेडली, और वो बहुत तेज़ तेज़ से भौंकने लगता है, भागने लगता है. इमिडिएटली अ फ्लॉक ऑफ फ्लेमिंगोज फ्लू आउट. तुरंत ही हम क्या देखते हैं, वहाँ से फ्लेमिंगो का एक झुंड जो रहता है, फ्लॉक जो रहता है, वो वहाँ से उड़ने लगता है. इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू मेक द लेटर. वो काफ़ी जो है, जब हम लोग लेटर बनाना शुरू करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है. बट वी सक्सीडेड इन फिनिशिंग इट बिफोर नाइटफॉल. लेकिन हम उसे बनाने में सक्षम हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं. रात जो है होने से पहले ही जो है वो लोग क्या करते हैं, अपना जो लैडर है वो बना लेते हैं. देन वी हैड टू फिक्स इट टू वन ऑफ द लोअर ब्रांच ऑफ आवर जाइंट ट्री. अब इसे हमें क्या करना है, जो हमारा जाइंट ट्री है जिसपे हमें घर बनाना है, उसके एक लोअर ब्रांच पे हमें इसे टिकाना होगा, इसे बांधना होगा, इसे फिक्स करना होगा. वी डिड दिस बाय शूटिंग एन एरो विद अ रोप अटैच्ड टू इट. हम इसे क्या करते हैं, एरो से जो है रोप
अटैच करके और फिर उस एरो को शूट करते हैं, जिससे वो क्या होता है, एक ब्रांच में वो रोप अटक जाती है. द लैडर वॉज देन पुल्ड अप एंड फिक्स्ड इन प्लेस. उसके बाद लैडर को उस जगह पे खींचा जाता है और वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है, मतलब उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है. इट टुक अस सेवरल डेज टू मेक अवर हाउस इन द ट्री. हमें कुछ दिन लगते हैं उस घर को बनाने के लिए उस पेड़ पे. द यंगर बॉयज हेल्प बाय सर्चिंग फॉर प्लैंक्स फॉर ऑन द सी शोर. हमारे घर के जो बच्चे रहते हैं, यंगर बॉयज रहते हैं, वो क्या करते हैं, सी शोर समुद्र के किनारे से जो लकड़ी के प्लैंक्स होते हैं, लकड़ी के जो जैसे डेस्क वगैरह नहीं होते हमारे, लंबे लंबे जो प्लैंक्स होते हैं उसे इकट्ठा करने में काफ़ी मदद करते हैं. दे लोडेड दीज ऑन द बैक्स ऑफ द काउ एंड द डोंकी एंड ब्रॉट देम टू अस. वो क्या करते हैं, उन प्लैंक्स को उठा के काउ या डोंकी पे रखते हैं, उनके बैक पे रखते हैं और उन्हें हमें ला के देते हैं. फ्रिज एंड आई वर बिजी कटिंग अवे द ब्रांचेज इन द मिडल ऑफ द ट्री. हम क्या करते हैं, कर रहे होते हैं, उस पेड़ पे बैठ के हम उस बैम्बूज को बीच में से कट कर रहे होते हैं. मैं और फ्रिज जो हैं उस चीज़ में बिजी रहते हैं, उन ब्रांचेस को कट करने में बिजी रहते हैं. देन वी नेल डाउन सम प्लैंक्स एंड मेड अ फ्लोर विद अ वुडन फेंस अराउंड इट. उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो प्लैंक्स बच्चे लाए रहते हैं उससे हम क्या करते हैं, वुडन फ्लोर जो है हम लोग बनाते हैं. वी हंग सिक्स हेमलॉक्स ऑन टू सम हायर ब्रांचेस. हम कुछ हेमलॉक्स जो रहते हैं, लकड़ी के जो प्लैंक्स रहते हैं उन्हीं को हेमलॉक्स कहा जाता है. सिक्स हेमलॉक्स जो हैं वो लोग क्या करते हैं, हैंग करते हैं, वो रस्सी से बांध के उसको मतलब हवा में उसको रखते हैं, ठीक है. फाइनली वी कवर द ब्रांचेज अबव अस विद द सेल क्लॉथ टू मेक अ रूफ. उसके बाद फाइनली क्या करते हैं, हम जो रूफ है, जो छत है, उस पर एक सेल क्लॉथ लगा के उसको कवर करते हैं, उसको ढक देते हैं. लेटर ऑन आई इंटेंडेड टू मेक अ वुडन रूफ. उसके बाद मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर क्या बनाया जाए, वुडन का रूफ बनाया जाए, वुडन छत जो है वो बनाया जाए. द सेल क्लॉथ विच मेड द रूफ ऑल्सो फॉर्म टू वॉल्स ऑफ द हाउस. जो सेल क्लॉथ है उसको इस तरह से रखा गया था जिससे वो रूफ को भी ढकने का काम कर रही थी, साथ ही साथ दो वॉल्स भी वो बना रही थी. घर की जो दो वॉल्स होते हैं, अगर घर बनाना है तो चार वॉल्स की तो एक्चुअली ज़रूरत है ना, एक रूम अगर बनाना है तो वो दो वॉल्स जो है वो क्या कर रही थी, फॉर्म कर रही थी. द थर्ड वॉल वॉज द ट्रंक ऑफ द ट्री. जो थर्ड वॉल था वो क्या था, जो पेड़ का जो तना था मोटा सा, जो जाइंट ट्री का जो ट्रंक था वही थर्ड वॉल था. और फोर्थ साइड उन्होंने ओपन रखा हुआ था, जो शायद किसकी तरफ ओपन हो रहा था, ओशन की तरफ, सी की तरफ ओपन हो रहा था, जहाँ से बैठ के वो वहाँ के व्यूज़ का आनंद ले सकते थे. इट गेव अस अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर द ट्री टॉप टू द ओशन. मतलब वहाँ से ओशन को देखना, उस ट्री टॉप से ओशन को देखना उन्हें काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, उन्हें काफ़ी खूबसूरत लग रहा था. बिसाइड ऑल दिस आई मेड अ टेबल एंड सम बेंचेस विच आई प्लेड एट द फुट ऑफ द ट्रीज. इन सब के बाद मैं क्या बनाता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ और कुछ बेंचेस बनाता हूँ, जिसको मैं कहाँ रख सकता हूँ, ट्रीज़ के जहाँ पे घर बना रहता है उसके पास ही ब्रांचेस पे मैं रख सकता हूँ, जो हमारा डाइनिंग रूम हो सकता है. बाय संडे आवर होम वॉज फिनिश्ड. संडे होते होते हमारा घर बनना जो है वो कंप्लीट हो जाता है. दैट डे वी केप्ट एज वी ऑलवेज डिड फॉर प्रेयर रेस्ट एंड प्लीजेंट टॉक. उस दिन हम क्या करते हैं, जैसे हमेशा हम लोग करते हैं, प्रेयर करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं और आराम से हम लोग अच्छी खुशी से हम लोग बातें करते हैं. आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गिव अ नेम टू अवर हाउस. वो सब क्या बात करते हैं कि मुझे लगता है, जो राइटर है वो कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे हम लोग क्या करना चाहिए, हमें इस घर को एक नाम देना चाहिए. आई सेड टू माई फैमिली. वो अपने फैमिली से बोलते हैं, राइटर जो अपनी फैमिली से बोलते हैं. एंड वी ऑट टू गिव नेम्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द आइलैंड दैट वी नो. और हमें आइलैंड के और भी पार्ट्स जो हैं, जहाँ पे हम लोगों ने काम किए हैं, जहाँ से हम लोगों ने चीज़ें लाए हैं, जहाँ हम लोगों ने कुछ बनाया है, जहाँ हम लोगों ने कुछ देखा है, उससे भी हमें कुछ ना कुछ नाम ज़रूर देना चाहिए. लेट्स थिंक ऑफ नेम दैट विल. चलो हम सब मिलके जो हैं सबको जो है नाम देते हैं, उन जगहों को नाम देते हैं, जिससे हमारा ये जो एडवेंचर है वो हमेशा हमें याद रहे. हम कभी इन फ्यूचर अगर हम यहाँ पे आए तो हम बोल सके कि हाँ हमने इस चीज़ को ये चीज़ नाम दिया था. अ गुड आइडिया थी. ऑल अग्रीड. जितने भी लोग थे फैमिली में उन सारे लोगों ने इससे अग्री किया कि हाँ हाँ चलो सबको एक एक करके नाम बताओ, अब जो भी जिसको भी पसंद आएगा वो उस तरह से नाम रखा जाएगा.
A good idea, they all agreed. First of all, I said, what name shall we give to the bay where we landed? पहली बात तो ये है कि हमें उस बे को, उस किनारे को क्या नाम देना चाहिए जहाँ पे हम सब सुरक्षित पहुँच गए. इतने तूफान के बाद भी जिस किनारे पे हम सुरक्षित पहुँच गए, उस किनारे को हमें क्या नाम देना चाहिए. Let's call it safety bay, said my wife. मेरी वाइफ, जो राइटर की वाइफ है, उन्होंने क्या कहा, चलो इसको सेफ्टी बे नाम देते हैं, बिकॉज देयर द गुड गॉड ब्रॉट अस सेफली. वहाँ पे जो गुड गॉड है, अच्छे जो भगवान है, उन्होंने हमें सेफली, बहुत सुरक्षित तरह से उस किनारे तक पहुँचाया है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेफ्टी बे. वी ऑल अग्रीड दैट द नेम वॉज एक्सलेंट वन. सब ने एग्री किया कि ये नाम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उस बे का नाम क्या रख दिया गया, सेफ्टी बे रख दिया गया. द प्लेस वेयर वी फाउंड द फ्लेमिंगो शुड कॉल फ्लेमिंगो मार्श, सेड इनेस, एंड अगेन वी ऑल अप्रूव. इस बार इनेस जो है, जिन्होंने क्या किया था, जो बंडल ऑफ बैम्बूज है जिसको कैरी किया था जिन्होंने, उन्होंने क्या कहा, जहाँ पे हमें फ्लेमिंगो मिले थे बहुत सारे, जहाँ पे क्या कर रहा था, जो फ्लोरा थी वो ब्लूशेज में जाकर क्या करती, भौंक रही थी, तो वहाँ पे, वहाँ से हमें क्या मिला था, बहुत सारे फ्लेमिंगोज मिले थे. तो वो बोलता है कि वो जगह जहाँ पे हमें फ्लेमिंगोज मिले थे उसे हम फ्लेमिंगो मार्श नाम दे देते हैं, फ्लेमिंगो मार्श नाम दे देते हैं. किसने कहा, एनस ने, और इस नाम पे भी सब ने एग्री किया कि चलो हाँ ये भी नाम बहुत अच्छा है. लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज, माई वाइफ सजेस्टेड, बिकॉज ऑल द फैमिली हेल्ड मेकिंग इट. जो ब्रिज बना है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फैमिली ब्रिज नाम देते हैं. क्यों, क्योंकि उस ब्रिज को बनाने में हम सब ने हेल्प की है, हम सब ने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया है. Let's give the name of Cape Disappointment to the place where we looked in vain for the sailor. I said, vain जो है जहाँ पे, मतलब उन्होंने क्या किया था, बहुत इंतज़ार किया था कि कुछ जो सेलर्स होते हैं, जो समुद्र में जो है वो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, वो आ जाए वहाँ पे खड़े होकर, जहाँ पे हम लोगों ने इंतज़ार किया था उन लोगों का, उस जगह को हम क्या नाम दे देते हैं, केप डिसअपॉइंटमेंट. क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे वेट तो किया था लेकिन कोई आया नहीं, हम लोगों क्या हुआ, डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ. तो उस जगह को जहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, खड़े होके सेलर्स का वेट कर रहे थे, सेलर्स को ढूंढ रहे थे, उस जगह को हम क्या नाम देते हैं, केप डिसअपॉइंटमेंट. लेट्स कॉल द रिवर जैकल रिवर. जो रिवर है जहाँ से वो लोग क्या कर रहे थे, बैम्बूज कट करके लेके आए थे, उसको हम क्या नाम देते हैं, जैकल रिवर. ये किसने कहा, जैक ने कहा. सो वा वी वर इन कम्प्लीट एग्रीमेंट. अब इतनी देर से जो है हम सब ने इस चीज़ को एग्री किया था कि हाँ इस चीज़ को ये नाम दिया जाए, इस चीज़ को ये नाम दिया जाए. However, we could not agree on the name for our new home. लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो नया घर बना था उसके नेम पे सबने एग्री नहीं किया. जो भी नाम दे रहे थे कुछ ना कुछ किसी को दिक्कत थी. What about that castle or big town, fig town? The boys suggested. जब house के नाम रखने की बारी आई तो जो लड़के थे, जो यंगर बॉयज़ थे, जो बच्चे थे, उन्होंने नाम क्या दिया, कैसल या फिक टाउन. उन्होंने कहा कि कैसल अगर बोला जाए या फिक टाउन अगर बोला जाए तो कैसा रहेगा. बट आई डिड नॉट लाइक आइदर नेम. लेकिन जो राइटर थे उनको वो नाम अच्छा नहीं लगा. उन्होंने क्या कहा, कॉल इट ईगल्स नेस्ट. फ्रिज जो थे उनके साथ, उन्होंने कहा कि इसको ईगल्स नेस्ट के नाम से नाम देते हैं. Our house is more like a nest than a castle or a town. वो कहते हैं कि हमारा जो घर है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, एक नेस्ट ही है, एक घोंसला ही है, वो कोई कैसल या टाउन की तरह नहीं दिख रहा है. The eagle is the king of birds and we are like kings here. वो कहते हैं कि ये जो ईगल होता है वो क्या होता है, बर्ड्स के किंग होते हैं, वो सारे बर्ड्स के राजा होते हैं, और हम लोग भी आज हमारे जो घर है उसके राजा हैं, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया जाए, ईगल्स नेस्ट दिया जाए. वी aren't किंग्स येट. वो जो राइटर रहते हैं वो कहते हैं हम अभी राजा नहीं बने हैं. लेट्स कॉल इट फैल्कून्स नेस्ट. चलो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फैल्कून्स नेस्ट. एंड आई होप दैट यू ऑल आर ब्रेव एज फैल्कून्स. और वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम सब क्या हो, फैल्कून्स की तरह ब्रेव हो. मतलब इतनी आंधी आई, तूफान आए, हम लोग का शिप डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे पास जो है इतनी मेहनत करके हम लोगों ने घर बनाया, तो हम लोग काफ़ी ब्रेव हैं. यस यस द बॉयज़ ट्राइड.
क्राइड आउट वी शैल कॉल इट फैल्कन्स नेस्ट। जो बॉयज़ थे, जो बच्चे थे, वो काफ़ी खुश हो गए नाम सुन के। वो बोले हाँ हाँ, इसका नाम क्या रहेगा, फैल्कन्स नेस्ट ही रहेगा, इसको हम लोग फैल्कन्स नेस्ट करके ही बुलाएंगे। ठीक है, इसके जो राइटर है वो कौन है, जियर वाइस, ये हम लोग ने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा। आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोग का होमवर्क फर्स्ट चैप्टर से है। आप लोग को क्या करना है, ये पोयम जो है वो आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आप लोग क्या करना है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है द लैम, इसको अपने कॉपी में लिखना है। ज़्यादा लाइन नहीं, 12 लाइन्स आप लोग को अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करना है विथ पोएट नेम, विथ राइटर्स नेम। ठीक है, राइटर का नेम जो है वो विलियम ब्लेक है, तो राइटर्स के नेम के साथ ही आपको क्या करना है, 12 लाइन्स पोएम जो है आप लोग को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके साथ साथ वर्ड मीनिंग भी आप लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। ये जो वर्ड मीनिंग है फर्स्ट चैप्टर का, उसका आप लोग को क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। इसके साथ साथ ये पोएम है, इसका क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाया जाएगा। एक्सरसाइजेस जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, एक्सरसाइजेस हैं और हमारा मेक सेंटेंस है, तो ये आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है और क्वेश्चन आंसर लिखवाया नहीं जाता है। और कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम है, ये रहेगा, एंड फिल द ब्लैंक्स विद ING, तो ये आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों का होमवर्क सिर्फ ये रहेगा, 12 लाइन्स आप लोगों को पोएम लिखना है विद राइटर्स नेम एंड वर्ड मीनिंग। ठीक है, यहीं पर आप लोग का ये वीडियो जो है ओवर होता है। आप लोग उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सेकेंड चैप्टर का जो भी एक्सरसाइज है या जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बाद में। थैंक यू।